तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के बिगिनर्स बॉक्स फोर के आगे वाले क्वेश्चन तो ये अपना क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास लिखा हुआ है कुछ इस तरह से सीलिंग ऑफ अ ट्रेन मूविंग विद एन एक्सेलरेशन ए आई शोन वो डायग्राम मैं आपको दे रहा हूं फाइंड द एंगल थीटा इन द इक्विलिब्रियम पोजिशन ऑल्सो कैलकुलेट टेंशन इन द स्ट्रिंग तो यहाँ पे सेटअप कुछ इस तरह से है लेट से ये ट्रेन है आपकी अब इस ट्रेन में क्या कहा गया है एक पेंडुलम को हैंग कराया गया है ये पेंडुलम रहा लेट से ये पेंडुलम अपने पास रहा ये रहा अपना पेंडुलम अब इस पेंडुलम को जो हैंग कराया गया है इस पेंडुलम का मुझे मास दिया हुआ है लेट से एम करके अब ये जो ट्रेन है ये आपकी ट्रेन रही लेट से ये रही मेरी ट्रेन अब इस ट्रेन के बारे में क्या गिवन है ये ट्रेन एक्सिलरेट कर रही है हॉराइजेंटली विद एन एक्सिलरेशन ए ये आपको सेटअप दिया हुआ है एक ट्रेन मूव कर रही है हॉराइजेंटली विद एन एक्सिलरेशन ए अब होगा क्या अब यहाँ पे अगर हम आपके दिखाएं इस मास पे कौन से कौन से फोर्स लगेंगे एक एम फोर्स लगेगा नीचे रस्सी पे ऊपर की तरफ लगेगा टेंशन टी और क्योंकि एक्सेलरेट आगे कर रहा है तो नॉन इनर्शियल फ्रेम होने की वजह से इस पर जो सूडो फोर्स होगा वो मेरा एम ए पीछे की तरफ लगेगा अब यहाँ पे क्योंकि वाई डायरेक्शन में चलो फोर्स बराबर है पर एक्स डायरेक्शन में फोर्स माइनस एक्स डायरेक्शन में लग रहा है जिसके वजह से ये जो मास रखा हुआ है मेरा ट्रेन के अंदर वो मास क्या होगा वो मास आपका ना पीछे की तरफ लेट्स से मूव करेगा वो मास अपना लेट से पीछे की तरफ आएगा किसी है ना लेट से अगर ये मास एम है तो ये मास एम पीछे की तरफ जब आएगा तो हमसे पूछा गया है जब यहाँ डायनामिकल इक्विलिब्रियम हो जाएगा तो डायनामिकल इक्विलिब्रियम वाले केस में ये जो एंगल थीटा है ना ये क्वेश्चन पूछा है फाइंड एंगल थीटा इन द इक्विलिब्रियम पोजिशन यहाँ पे जब इक्विलिब्रियम आ गया तो उस केस में आपको पूछा गया है ये एंगल थीटा बताइए एज वेल एज टेंशन रस्सी में बात करिए तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं अब एम जी तो नीचे ही लगेगा ऑब्वियसली सरफेस के परपेंडिकुलर ना ग्राउंड के परपेंडिकुलर रस्सी का जो टेंशन होगा वो मेरा अलोंग द स्ट्रिंग ऊपर की तरफ लगेगा और क्योंकि ये जो फ्रेम है ये एक्सिलरेट कर रहा है आपका ट्रेन एक्सिलरेट हॉरिजेंटली आगे कर रहा है जिसके वजह से इस पे जो सूडो फोर्स लगेगा एम ए आपका पीछे के डायरेक्शन में लगेगा अब हमें ये टेंशन और ये थीटा दो अननोन पता करना है इन टर्म्स ऑफ ए एंड जी ये इस पोजीशन पे आके इक्विलिब्रियम हो गया क्योंकि यहां पे अब आ गया मतलब यहां नेट फोर्स बैलेंस हो रहा है नेट फोर्स बैलेंस का मतलब मैं क्या दिखा सकता हूं एक लाइन अगर ड्रॉ करता हूं जो इसके पैरेलल है तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी हमारे पास क्या हो जाएगा थीटा क्यों क्योंकि ये दोनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल है तो ये दोनों एंगल्स अल्टरनेट एंगल्स होने की वजह से दोनों एंगल्स बराबर होते हैं हम अल्टरनेट एंगल्स इक्वल जानते हैं अब क्या किया जाए अब लेट्स से इन फोर्सेस को रिजॉल्व करते हैं तो जिसके साथ एंगल बनाएगा लेट्स से टेंशन वर्टिकल के साथ एंगल थीटा बना रहा है तो इसके अलोंग इस का इसके टेंशन का कंपोनेंट आ गया टी कॉस थीटा और इसके अलोंग टेंशन का कंपोनेंट आ गया लेट्स से टी साइन थीटा कर दिया जाए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट टेंशन का टी साइन थीटा और वर्टिकल कंपोनेंट टेंशन का आया निकल के

T cos थीटा मेरे पास बन गया mg ये इक्वेशन नंबर वन और ये इक्वेशन नंबर मुझे दिखाई दे रही है टू अब मुझे इन दो इक्वेशंस की मदद से मुझे क्या पता करना है एंगल थीटा और रस्सी का टेंशन टी पता करना है तो पहला काम क्या करता हूं इन दोनों इक्वेशंस को एक दूसरे से डिवाइड कर दिया जाए तो इक्वेशन वन को इक्वेशन नंबर टू से अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा? डिवाइड करते ही साइन थीटा थीटा बनने चला गया। क्योंकि टेंशन से टेंशन हुआ, मास मास को करेगा, तो यहां पे आ गया मेरे पास जी। और साइन थीटा थीटा, हम जानते हैं हमारा होता है tan थीटा इज इक्वल टू इसको लिख दिया जाए ए बाई जी यहां से सिंप्लीफिकेशन पे आंसर आ गया थीटा बराबर लेट्स से tan इनवर्स हमारा क्या आया सिंप्लीफिकेशन पे इज इक्वल टू tan इनवर्स ए डिवाइडेड बाई जी तो मुझसे पूछा था आपसे है ना लेट से इसका एंगल कितना होगा इक्विलिब्रियम पोजिशन पे तो इक्विलिब्रियम पोजिशन पे एंगल हमने निकाल लिया tan इनवर्स ए बाई जी अब नेक्स्ट इक्वेशन क्या करते हैं टेंशन निकालना है अब हमें एलिमिनेट करना है थीटा यहाँ पे टेंशन एलिमिनेट करने के लिए डिवाइड कर दिया टेंशन है ना कैंसल आउट हो गया वहां से मेरे पास लेट से निकल के आ गया थीटा या एंगल थीटा निकल के आ गया टेन इनवर्स ए बाई जी अब आया जाए इन दोनों इक्वेश को मैं क्या कर देता हूं स्क्वायर एंड एड करने जाऊं वन स्क्वायर एंड टू स्क्वायर इन दोनों इक्वेश को स्क्वायर ऐड करते हुए तो हमारे पास क्या बन गया हमारा इक्वेशन बना टी स्क्वायर साइंस स्क्वायर थीटा प्लस ये हुआ टी स्क्वायर स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू राइट right साइड में क्या दिखाई दे रहा है एम ए का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे दिख रहा है एम जी का होल स्क्वायर लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड के स्क्वायर से ऐड कर दिए राइट साइड को राइट right साइड के स्क्वायर से ऐड कर दिए टी स्क्वायर कॉमन निकाल लीजिए तो ब्रैकेट में हमारे पास आ गया साइन स्क्वायर प्लस कॉ स्क्वायर उसी तरह से यहाँ पे एम स्क्वायर अगर कॉमन निकाल लू तो यहाँ पे ब्रैकेट में पड़ गया मेरे पास ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर यहाँ पे साइन स्क्वायर प्लस कॉ स्क्वायर तो वन हो गया अब यहाँ पे आया एम स्क्वायर इन टू ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर यहां से टेंशन की बात करें तो टेंशन आया एम रूट अंडर क्या बोल सकता हूँ ए स्क्वायर प्लस योर जी स्क्वायर तो यहाँ पे आंसर हमें निकालना था टेंशन का इन टर्म्स ऑफ मास ए एंड जी तो ये रहा मेरा लेट्स से टेंशन निकाल लिए एम ए और जी के टर्म्स में अब चलिए फिर से समझ लेते हैं इस क्वेश्चन में क्वेश्चन बोल रहा था पेंडुलम है मास M का सस्पेंड किया गया है सीलिंग से ये सीलिंग रही है ना इस सीलिंग से है ना सस्पेंड किया गया इस मास को ऑफ अ ट्रेन ये ट्रेन है आपका ये पूरा डब्बा ट्रेन का डब्बा मूविंग विद एन एक्सिलोरेशन एन

ये और ये लाइन एक दूसरे के क्या है पैरेलल तो ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी हो जाएगा मेरे पास थीटा अब हम लिख सकते हैं इस टेंशन का ये कंपोनेंट टी कॉस थीटा बैलेंस करते हुए एमजी को और ये टेंशन का कंपोनेंट टी साइन थीटा बैलेंस करते हुए सूडो फोर्स एमए को क्योंकि एक्सेलरेट अगर आगे कर रहा है तो सूडो फोर्स इस पे हमें पीछे लगेगा अब टी साइन थीटा बैलेंस करो एमए से यहां पे लिख दे टी साइन थीटा एमए और

अब नेक्स्ट आते हैं बात करने यहाँ पे थीटा निकाले अब टेंशन निकालने की बात करते हैं तो यहाँ पे हम क्या करते हैं लेट से टेंशन को ना कैलकुलेट करने के लिए स्क्वायर ऐड कर दो इन दो इक्वेशंस को टी स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर कॉ स्क्वायर ये बन के चला गया एम ए का स्क्वायर प्लस एम जी का स्क्वायर टी स्क्वायर कॉमन निकालिए साइंस स्क्वायर प्लस कॉ स्क्वायर हम जानते हैं वन होता है और राइट right साइड में एम स्क्वायर कॉमन आके ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर तो स्क्वायर रूट लेके टेंशन निकल के आया एम अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर तो ये रहा हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ तक का स्क्रीन शॉट लो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हुए क्वेश्चन है वॉट हॉराइजेंटल एक्सिलरेशन शुड बी प्रोवाइडेड टू द वेज वेज मतलब एक इनक्लाइन प्लेन है ये रहा इंक्लाइन प्लेन सो डेट द ब्लॉक ऑफ मास जो मास रखा हुआ है लेट्स से एम प्ट ऑन द वेज रिमेन एट रेस्ट विद रेस्पेक्ट टू द वेज ये जो मास m है ना स्मॉल एम वो इस वेज पे वेज का मास दिया हुआ m, इसका का theta, और एक है, है ना ये आपका वेज रहा यहाँ पे पूछा गया है इस वेज का हॉराइजेंटल डायरेक्शन में एक्सीलरेशन हमारा कितना होना चाहिए ताकि ये वेज क्या रहे आपका है ना इस वेज पे जो मास m है वो ना रेस्ट पे रहे मतलब इक्विलिब्रियम पे रहे तो क्या करते हैं इसका एफ बनाते हैं चलिए तो इसका एफ बनाते हुए हम यहाँ पे क्या देख सकते हैं इस पे हमने ये मास रखा हुआ है ना तो ये जो मास हमने रखा है इस वेज पे इस वेज पे ये जो मास रखा है इसको अगर मैं आपको दिखाऊं तो इस मास पे क्या क्या फोर्स लगेंगे इक्विलिब्रियम में है, मतलब है ना रेस्ट पे हो गया ना तो ये अगर पूरा फ्रेम अगर ए से एक्सेलरेट आगे कर रहा है तो ये मास भी जो होगा A से मेरा आगे की तरफ एक्सेलरेट करेगा जिसके वजह से इस पर जो सूडो फोर्स होगा एम ए वो मेरा पीछे लगेगा डाउन द इंक्लाइन सर्फेस के पोपेंडिकुलर क्या लगता है एम जी और इस डायरेक्शन में क्या लगेगा नॉर्मल रिएक्शन यही सारे फोर्सेज हैं जो आपने बनाने हैं ये एंगल ऑफ इंक्लेशन हमारे को थीटा दिया हुआ है अब क्या करते हैं यहां पे बात करने जा रहे हैं लेट से अब कैलकुलेट हमें करना है फोर्स बैलेंस की बात करनी है टोटल फोर्स बैलेंस हम लेट से बैलेंस आप जिस डायरेक्शन में करना चाहे कर सकते हैं तो यहाँ पे मैं बैलेंस करने की बात कर रहा हूं एक अलोंग द इनक्लाइन प्लेन एंड एक परपेंडिकुलर टू इनक्लाइन प्लेन लेट से एक इस है ना नॉर्मल के अलोंग और एक इस इनक्लाइन प्लेन के अलोंग हम फोर्स बैलेंस से करने की बात कर रहे हैं तो मैं ये बोलूं अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी अपना कितना रहेगा थीटा ही रहेगा ना करिस्पॉन्डिंग एंगल से आप बोल सकते हो तो यहाँ पे इसके अलोंग ये जो कंपोनेंट होगा लेट से आपका एम ए का इस सूडो फोर्स का इसके अलोंग तो कंपोनेंट हो जाएगा एम ए का क्या लिखा जा सकता है आपके पास ना पे कोई एंगल नहीं बन रहा है इस लाइन के साथ तो ये एंगल हो गया इसका कंपोनेंट एम ए का साइन थीटा और इस लाइन के अलोंग इसका निकल के आ गया एम ए का उसी तरह से क्या करते हैं आपका बैलेंस करते हैं अलॉन्ग द इनक्लाइन प्लेन फोर्स बैलेंस करते हैं ना लेट से इस डायरेक्शन में अगर बात की जाए तो एम जी के कंपोनेंट की बात करूं तो अलोंग द इनक्लाइन प्लेन एम जी का कंपोनेंट होता है एम जी साइन थीटा कैसे पता कि है तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं अगर ये थीटा तो ये एंगल नाइनटी माइनस थीटा ये नाइनटी माइनस थीटा तो ये एंगल हो गया अपने पास थीटा तो इस डायरेक्शन में अलोंग द नॉर्मल वाले डायरेक्शन में एम जी का कंपोनेंट आया हमारे पास थीटा वाला तो लेट्स एम जी का जो कंपोनेंट है वो तो हमने लिख दिया है थीटा और अलोंग द इंक्लाइन प्लेन हमारा एम का कंपोनेंट आ गया एम जी साइन थीटा करके अब चाहे तो नॉर्मल को ना क्योंकि यहाँ इक्विलिब्रियम की बात हो रही है तो इक्विलिब्रियम मतलब आपका नेट फोर्स जीरो करना है रेस्ट पे मतलब नेट फोर्स जीरो करना है तो नॉर्मल बैलेंस करेगा एमए साइन थीटा प्लस एम जी कॉस्थीटा को पर मुझे यहाँ पे एक्सीलरेशन की वैल्यू पता करनी थी इन टर्म्स ऑफ थीटा लेट्स तो यहां पे हम क्या बोल सकते हैं अलोंग द इंक्लाइन फोर्स बैलेंस करते हुए तो अलोंग द इनक्लाइन में बोल सकता हूं ऊपर की तरफ इनक्लाइन प्लेन के अलोंग ऊपर की तरफ एम ए कंपोनेंट बैलेंस करेगा डाउन द इनक्लाइन एम जी के साइन थीटा वाले कंपोनेंट को हम सिंपली क्या कह सकते हैं यहां पे कहा जा सकता है कि अगर ये लेट से ब्लॉक को छोड़ दिया जाए तो ये ब्लॉक जो है नीचे की तरफ क्या करेगा ये एंगल हमें थीटा ना कहा जा रहा है ओके तो अगर इस ब्लॉक को छोड़ दिया जाए तो एम का साइन थीटा नीचे इसको पुल करेगा अब इक्विलिब्रियम में होने के लिए यहाँ पे ये एम का जो कंपोनेंट है एम ए थीटा वो इस एम साइन थीटा को बैलेंस करने वाला है अब एम से एम आप काट दिए तो यहाँ से एक्सीलरेशन पूछा था मुझसे दिस कम्स आउट टू बी जी इन थीटा डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में मेरे पास बन गया कॉस थीटा अब यहां से हम क्या कह सकते हैं साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा ये मेरे पास आ गया टैन थीटा तो मुझसे पूछा था एक्सीलरेशन पता करना है आपको एक्सीलरेशन पता करना था इस इंक्लाइन प्लेन का ना ये पूरे वेज का सो दैट इट रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम तो हमारे पास एक्सिलरेशन कितना आ गया फाइनली ये कैलकुलेशन पे निकल के आया ए इक्वल टू जी टैन थीटा थीटा क्या है थीटा वो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बना हुआ है तो बस हमने क्या किया हमने फोर्स बैलेंस किया अलोंग द नाइन क्लाइन प्लेन इस एम जी साइन ने मेरा बैलेंस किया इस एम ए समझते हैं तो ये रहा अपना ना इनक्लाइन प्लेन ना पूछा गया इसका डायरेक्शन में कितना एक्सीलरेशन होना चाहिए ताकि ये जो मास एम है इस इनक्लाइन प्लेन पे रखा हुआ ये मास एम क्या रहे रिमेंस एट रेस्ट विद रेस्पेक्ट टू वेज तो इस मास

ये, अब ये इस इंक्लाइन प्लेन के साथ थीटा एंगल बना रहा है तो इस एम ए का ये कंपोनेंट आ गया एम ए थीटा और इस का, ये या, थीटा. अब का थीटा, थीटा को बैलेंस करते हुए थीटा, थीटा को बैलेंस करेगा, तो ए है या जी साइन थीटा डिवाइडेड बाय थीटा साइन थीटा बाई थीटा हमारा होता है टैन थीटा तो एक्सिलोरेशन हो गया अपना जी टैन थीटा तो ये रहा क्वेश्चन नंबर लेट्स से आगे का सॉल्यूशन यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए समझ आ रहा है सबको तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन है व्हाट हॉराइजेंटल एक्सिलरेशन शुड बी प्रोवाइडेड टू द वेज सो दैट ब्लॉक ऑफ मास एम प्लेस्ड ऑन द वेज फॉल्स फ्रीली ये इंपॉर्टेंट लाइन है ये जो ऑब्जेक्ट है मास एम का इस वेज पे जिसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा दिया हुआ है ये फ्री फॉल करना चाहिए मतलब नीचे की तरफ स्लाइड करना चाहिए पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था पिछले वाले क्वेश्चन में इस मास को रेस्ट रखना था वेज के रेस्पेक्ट में तो ये वेज का एक्सेलेशन पूछा था तो हमने इस पूरे वेज को एक्सेलरेट कराए थे अलोंग द ना प्लस एक्स एक्सिस अब यहाँ पे यहाँ पे बोला गया स्लाइड कराना है तो यहाँ पे आपको अलोंग द इंक्लाइन प्लेन इक्विलिब्रियम नहीं चाहिए ना तो यहाँ पे हम क्या करते हैं इसीलिए आपका जो एक्सिलरेशन होगा इसका वो आपका प्लस एक्स एक्सिस ना होके इस वेच का एक्सिलरेशन माइनस एक्स एक्सिस में होगा ताकि वो जो सूडो फोर्स एम ए का कंपोनेंट जो होगा वो एम जी साइन थीटा को बैलेंस नहीं करना चाहिए यहां पे फ्री फॉल करना चाहिए अलॉन्ग अब यहां पे हम

पे इस मास एम पे अगर फोर्सेस ड्रॉ करें अगर ये एक्सेलरेट ए से पूरा सिस्टम मेरा पीछे की तरफ हो रहा है तो ये मास एम भी पीछे की तरफ एक्सेलरेट होगा जिसके वजह से इस पे सूडो आगे की तरफ लगेगा लेट से एम ए कहा जाए अब यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं इस मास एम ए है ना के साथ में अगर मैं एम जी के कंपोनेंट की बात करूं तो अलोंग द इनक्लाइन क्लेन एम जी का कंपोनेंट अब हम जानते हैं कितना होता है एम जी साइन थीटा एंड इनक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर इस एम जी का कंपोनेंट कितना होता है एम जी कॉस् थीटा अगर ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा बना हुआ है तो ऑब्वियसली यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं ये भी एंगल कितना रहेगा अपना थीटा अल्टरनेट एंगल्स करके कहा जा सकता है तो हम यहाँ पे कह सकते हैं ये एंगल जो होगा ये एंगल भी निकल के आ गया थीटा अब सरफेस के परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ पड़ा हुआ है मेरे पास नॉर्मल अब यहां पे हम क्या देख सकते हैं यहां पे अब अलोंग द इंक्लाइन प्लेन आपको फोर्स बैलेंस करना है इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस करना है यहां पे अलोंग द इंक्लाइन नहीं करना है क्योंकि अलोंग द इंक्लाइन ये जो MA को अगर मैं रिज़ॉल्व करता हूं तो MA का ये वाला कंपोनेंट हो गया MA cos थीटा और इस डायरेक्शन में MA का कंपोनेंट आएगा वो बन जाएगा आपका MA का sin थीटा बन जाएगा तो यहां पे फोर्स हमें बस बात करना है फोर्स बैलेंस Perpendicular to Ma cos theta और mg sin theta, दोनों की तरफ पुल करेंगे तो अलॉन्स तो करना ही नहीं है परपेंडिकुलर टू इनक्लाइन करना है, है. चलिए इक्वेशन लिखा जाए तो यहां पर क्या कह सकते हैं परपेंडिकुलर टू द इनक्लाइन मेरा इक्वेशन आएगा एन प्लस एम ए का साइन थीटा मेरा बैलेंस करने जाएगा एम जी के ट से क्या कहा जा सकता है कॉस्ट थीटा को अब वो लिमिटिंग वैल्यू मतलब मिनिमम से मिनिमम कितना होना चाहिए तो उसके लिए हम क्या कह सकते हैं जो नॉर्मल है ये नॉर्मल कितना होना चाहिए अपना ये जीरो होना चाहिए अब नॉर्मल को अगर जीरो रख दोगे तो यहां से मेरा इक्वेशन आ गया एम ए का साइन थीटा जो है वो मेरा बन गया एम जी का क्या बना अपने पास कॉस्ट थीटा अब इसे मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो ये मेरे पास आ गया मास से मास कैंसल होते हुए एक्सिलरेशन आया निकल के इज इक्वल टू जी इन टू थीटा डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में पड़ा हुआ है साइन थीटा यहाँ से थीटा बाय थीटा हम कितना जानते हैं ये हो गया अपने पास कॉट थीटा तो यहां से वो जो एक्सिलरेशन है अलोंग द इंक्लाइन वो आ गया निकल के जी का कॉर्ट थीटा ये हमसे पूछा गया था चलिए

पिछले वाले क्वेश्चन में एक्सेलरेशन जी टैन थीटा आया था यहाँ पे जी थीटा की बात हो रही है अब अगर एक्सेलरेट पीछे करेगा तो इस पे सूडो एमए आगे लगा दो एम जी साइन थीटा डाउन द इनक्लाइन एम जी कॉस्थीटा टू द इनक्लाइन नॉर्मल परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ अब इस एमए को रिजोल्व करें तो ये अगर एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा हो जाएगा अल्टरनेट एंगल की वजह से तो एमए का ये कंपोनेंट हो गया थीटा और ये एमए का कंपोनेंट हुआ साइन थीटा अब नॉर्मल प्लस एम एस साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी थीटा अब यहां पे नॉर्मल की तो कोई बात ही नहीं हो रही है तो लिमिटिंग से लिमिटिंग मतलब जस्ट लीव करने के टाइम पे ना इतना लेट से होना ही चाहिए इससे ज्यादा अगर हुआ तो ये आपका ना ये फॉल नहीं करेगा फ्री फॉल नहीं करने वाला तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं नॉर्मल अगर जीरो नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं टॉपिक दैट इज मैकेनिकल एडवांटेज तो मैकेनिकल एडवांटेज का डेफिनेशन रिप्रेजेंट किया जा रहा है एम ए से इसका डेफिनेशन क्या है इट इज द रेशियो ऑफ लोड टू एफर्ट इसको समझाने के लिए हम आते हैं एक टॉपिक है ना लेट्स देखने मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ एन अगर मैं बात करूँ आपसे इनक्लाइंड प्लेन का मैकेनिकल एडवांटेज मेरा क्या होता है इसको समझा जाए तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं लेट्स अगर ये अपना ना एक इनक्लाइं प्लेन है इस इनक्लाइं प्लेन पे हमने क्या रखा हुआ है एक मास रखा हुआ है लेट से एम मास अब ये m मास की अगर बात की जाए तो इस m मास का जो लोड है ये लोड लोड कितना हो गया इस m मास का mg लोड मतलब इसका वेट सिंपली और एफर्ट का मतलब क्या होगा एफर्ट का मतलब कितना फोर्स लगाना पड़ेगा इसको रोकने के लिए दैट इज डाउन द इंक्लाइन mg sin थीटा हम जानते हैं इंक्लाइन के परपेंडिकुलर क्या जानते हैं mg cos थीटा अब हम बोल सकते हैं कि एफर्ट कितना लगाना पड़ेगा इसको रोकने के लिए ना लेट्स से इक्विलिब्रियम रखने के लिए वो जो एफ फोर्स है उसी एफ फोर्स को नाम दिया है एफर्ट जो आप एक्सटर्नल लगा रहे हो तो यहाँ पे वो जो एफ फोर्स निकल के आ गया वो फोर्स हो गया मेरे पास इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा करते हुए तो यहाँ पे ये जो फोर्स है इसी फोर्स को हम नाम दे रहे हैं एफर्ट तो मैकेनिकल एडवांटेज अगर मैं बात करने जाऊं इसको हम कह रहे हैं एज लोड टू एफर्ट का रेशियो तो लोड डिवाइडेड बाय एफर्ट ये मेरा कहलाता है मैकेनिकल एडवांटेज अब लोड तो बना हुआ है एम जी डिवाइडेड बाय एफर्ट बना हुआ है एम जी का साइन थीटा ना वो जो फोर्स आपको लगाना पड़ेगा ताकि उसको इक्विलिब्रियम में रख पाओ एम जी एम जी को कैंसिल कर जाता है वन बाय साइन थीटा ये मेरे पास आ गया निकल के कॉसिक थीटा तो इसी को हम नाम दिए हैं Say, आपका से जा जा तो मतलब, आपका मैकेनिकल एडवांटेज इस इनक्लाइन प्लेन का मैकेनिकल एडवांटेज कितना होगा आप कह सकते हो वेट टू द ना लोड टू रेशियो को जैसे यहाँ लोड लिखे और नीचे एफर्ट लिख दिए तो लोड बाय एफर्ट मेरा बन जाएगा मैकेनिकल एडवांटेज अब बात करते हैं टॉपिक की मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ एन इनक्लाइन प्लेन इस इनक्लाइन प्लेन का मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा तो डेफिनेशन लोड बाय एफर्ट है अब लोड तो आप सिंपली रख दो इसका वेट एम और एफर्ट का मतलब इस मास एम को लेट से नीचे एम जी साइन थीटा और यहां थीटा होता तो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ इसको नीचे से ना लेट से नॉर्मल जो है वो तो आपको इसके नॉर्मल जो है वो इसके एम जी थीटा को बैलेंस करता है और ये जो फोर्स एफ है वो एम जी थीटा को बैलेंस करता वो जो एम जी थीटा बना हुआ है वो एफर्ट हो गया जो इसको रोकने के लिए चाहिए तो वो एफर्ट बन गया एम जी वाय एम जी साइन थीटा ये मेरे पास आ गया कॉसिक थीटा ये हो गया इसका मैकेनिकल एडवांटेज इस इंक्लाइन प्लेन का ये रहा अपना आंसर यहाँ तक सब लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन है अ स्टूडेंट इज एबल टू लिफ्ट अ बैग कंटेनिंग आपको गिवन है है ना बुक्स ऑफ लेट्स से 20 वेट और आगे बोला है बाय अ फोर्स ऑफ 5 के जी वेट मतलब ये जो फोर्स अप्लाई हो रहा है इस फोर्स का वैल्यू गिवन है आपको 5 के जी वेट फाइन द मैकेनिकल एडवांटेज तो यहाँ पे हमें कैलकुलेट कुछ नहीं करना है सारी वैल्यूज हमें क्वेश्चन में ही गिवन है इट्स सेल्फ डेट इज ये जो फोर्स है केजी जो वेट हो गया वो सिंपली क्या है वो मास है उसको आपको ना लेट से फोर्स में कैलकुलेट कर कन्वर्ट करना है तो वो हो जाएगा टेन से मल्टीप्लाई कर दो ये हो गया फिफ्टी न्यूटन और इसका जो वेट है एम जी वो वेट एम कितना गिवन है वो गिवन है आपका है ना डेट से ट्वेंटी के वेट जो है तो टेन से मल्टीप्लाई कर दीजिए ये आ गया निकल के टू हंड्रेड न्यूटन और अभी हमने क्या पढ़ा था मैकेनिकल एडवांटेज के बारे में तो इसका ये जो आपका लेट्स से मैकेनिकल एडवांटेज हो जाएगा मेरा लोड डिवाइडेड बाय क्या लगा दिया जाए एफर्ट एक सिंपल सा डेफिनेशन जो अभी हम देख रहे हैं तो लोड जो है लोड मतलब जो उसका वेट हो गया ना दैट इज योर टू हंड्रेड न्यूटन डिवाइडेड बाय एफर्ट कितना है कितना फोर्स लगाए ताकि इक्विलिब्रियम में रखा 50 तो यहां से क्या हुआ 200 डिवाइडेड बाय 50 निकल के आ गया मेरे पास 4 ना और ये क्योंकि फोर्स बाय फोर्स है तो यूनिटलेस और डायमेंशन कह सकते हो इसको तो ये है आपका मैकेनिकल एडवांटेज यहाँ पे क्वेश्चन कहा था कि एक 20 के वेट को ये रहा मेरे पास 20 के का वेट लेट से तो इस 20 के के वेट को इसका लेट्स से है ना वेट आया 200 न्यूटन उसको बैलेंस करने के लिए आपने 50 न्यूटन का एफर्ट लगाया तो ये रहा 50 न्यूटन तो 200 न्यूटन बाय 50 न्यूटन वो उसका मैकेनिकल एडवांटेज हो गया प्रैक्टिकली अगर मैं इस चीज को समझूं एडवांटेज का मतलब फायदा तो इस जो सिस्टम ने कितना फायदा दिया फोर टाइम्स फायदा दिया फोर टाइम्स एज़ इन कि मुझे अगर 200 न्यूटन का लगाना था तो मुझे फोर टाइम्स फोर्स कम लगाना पड़ा तो मुझे एडवांटेज हो गया ना कि मैकेनिकली स्ट्रेंथ मुझे चार गुना कम लगानी पड़ी तो प्रैक्टिकली इसको आप ऐसे समझ सकते हो तो ये था आज का डिस्कशन आई गेस सबको समझ आया हो और आराम से चीज़ें क्लियर हो गई हो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें तो चलिए बाय